फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ये पीवीसी का पाइप है। देखिए, एक साइड इसका डायमेंशन यूपीवीसी पाइप है और एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है, पर फ्रेंड्स इसमें ये लाइन भी बनी हुई है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यूपीवीसी पाइप में ये लाइन किस लिए बनी होती है। ये एक्चुअल में फ्रेंड्स प्लम्बर को गाइड करने के काम में आती है। अब आप फ्रेंड्स कहेंगे गाइड करने के लिए कैसे? देखिए फ्रेंड्स, इसको प्लम्बर क्या है, अगर वॉल के अंदर करता है या कहीं भी करता है तो वो इस तरह से रख देता है। अब उसे फिर तो वो जॉइंट लगाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लो उसने ये एक एल्बो कहीं पर लगा दी। तो फ्रेंड्स उसने ये तो लगा दी। अब मान लो वो इसके रिस्पेक्ट में अब ऊपर जाने के बाद अब मान लो उसे कहीं यहाँ से ऊपर की ओर जॉइंट देना है। तो देखिए ये उसे गाइड करती है एक्चुअल में फ्रेंड्स। ये अब पाइप यूँ रहता है। अब उसे मान लो ऊपर करना है तो ये इस लाइन से 90 डिग्री लेके वो इसे ऐसे जॉइंट लगा देगा, या फिर उसको अपोजिट साइड में मान लीजिए ये इधर लगा हुआ है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में करना है इस तरह, तो वो उसको इस लाइन को ध्यान में रख के, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन लगाने के बाद अगर वो गलत रहेगी, थोड़ा सा भी वो डिग्री में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहा तो उसको फिक्स करने में दिक्कत आती है, इसलिए वो इस लाइन को गाइड लेते हुए उसका काम करते थे। मान लो अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेना है तो इस तरह से डायरेक्ट वो इस लाइन को रख के कर लेता है, या फिर इस जॉइंट के रिस्पेक्ट में उसको अपसाइड ले जाना है, तो इस तरह से वो इस लाइन को ध्यान में रख के वो उसके हिसाब से जॉइंट लगाते जाता है। इसलिए ये लाइन प्लम्बर्स लोग को गाइड करने के लिए बनाई गई है। ये जितने भी यूपीवीसी पाइप आप फ्रेंड्स देखोगे, सब में ये इस तरह से लाइन बनी रहती है, किसी में ब्लू, ग्रीन, रेड कलर। ओके फ्रेंड्स।